ऑर्गेशन। तो एक नया साउंड, एक नया डीजे मार्केट में आ रहा है, तो हो जाओ होशियार दोस्तों, हो जाओ सावधान कि एक नया डीजे और मार्केट में एंट्री मार रहा है। ए टू जेड माल नया है, ये नहीं कि वहाँ कुछ माल पुराना कर दिया या कुछ नया है, टोटल माल नया है और सारा का सारा ब्रांडेड है। वो तो दिखाई दे रहा, पैसा खर्च हुआ हुआ बहुत मोटा, देख सकते हैं बिल्कुल न्यू ब्रांड सेटअप है, न्यू ब्रांड सेटअप एकदम बिल्कुल न्यू ब्रांड। अभी पन्निया उतरी है, तो अगर मैं पन्नियों की बात करूं तो अभी अभी फाड़ फाड़ के सेटअप बाहर निकाला गया है दोस्तों। देखो यहाँ देख सकते हो, अभी अभी सारे के सारे कार्टन्स खोले जा रहे हैं, सारी जीरो वन देख लेना, MT-1601 लेटेस्ट वर्जन है और आपको सब सामान यहाँ पर ब्रांडेड दिखाई देगा सुपर एक्स। लेकिन मैं फिर भी दीपक भाई से बूझ लिया है, तो दीपक भाई जो यहाँ पर सेटअप लग रहा है ये किस लेवल का लग रहा है? हाई लेवल का है, काफी हाई लेवल का सेटअप है, काफी हाई लेवल का सेटअप है। तो अनुज भाई आपने ये भी टेस्टिंग सुनी जी, तो क्या कहेंगे आप, क्योंकि खुद आप एक डीजे वाले हैं, लंबे टाइम से आपका एक्सपीरियंस है? अभी साउंड सुना है, कुछ भी कमी नहीं है, बेस बी ट्रेबल लाइनर वगैरह सब लगे हुए हैं, एकदम सभी ओके है, कोई कमी नहीं है साउंड में। हमें जो मेरठ की पहचान है जी, न्यू लक्ष्मी साउंड शेरू भाई, हाँ हाँ समझ गया, उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया। 15 साल में ऐसा बंदा मुझे नहीं मिला अभी तक, जी उन्होंने छूट कर मुझे, शुरू में ही उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का वो टेंडर देने लगे गई कि इतने बड़े एरिया में इतना ब्रांडेड माल और न्यू माल सारा ए टू जेड सारा और कॉस्टली भी करोड़ रुपए के समथिंग का। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे एमजी साउंड डीजे साउंड बना है जी, ये इस क्षेत्र का सबसे फर्स्ट लंबा का डीजे साउंड बना है। इतना पैसा लगता है नहीं, देखा डीजे में, पहली बार देखा ना साउंड, एक किल भी अपनी है सब कुछ, बेस की गाड़ी भगवान जुड़ा 18 फेल कर दे, टोले को टक्कर दे देगी, नया ब्रांड एक बार सामान, बिल्कुल बिल्कुल टोले को टक्कर देगी एक बार दो भाई। सच कह दीजिए, यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली, यहाँ पर हो क्या रहा है मैं दिखाऊँ आप लोगों को कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो मैं पर्दा उठा देता हूँ या अभी नहीं उठाऊँ कि यहाँ हो क्या रहा, चलो बता देता हूँ। आज यहाँ पर हो रहा इनॉग्रेशन, तो एक नया साउंड, एक नया डीजे मार्केट में आ रहा है, तो हो जाओ होशियार दोस्तों, हो जाओ सावधान कि एक नया डीजे और मार्केट में एंट्री मार रहा है और टक्कर देगा जबरदस्त, बढ़िया वाली टक्कर देने वाला है, क्योंकि माल नया है। मैं जैसे दिखा रहा हूँ कि माल पूरा नया है, न्यू ब्रांड है, नया सेटअप है, ए टू जेड माल नया है, ये नहीं कि वहाँ कुछ माल पुराना कर दिया या कुछ नया है। तो दिखाऊं एक एक चीज की, लीड की फिनिशिंग देख सकते हैं आप, टोटल माल नया है और सारा का सारा ब्रांडेड है। वो तो दिखाई दे रहा है, पैसा खर्च हुआ हुआ बहुत मोटा, तो बहुत मोटा पैसा खर्च हुआ। और यहाँ की बात करो तो यहाँ पूरा मंडप है, तो यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल न्यू ब्रांड सेटअप है, न्यू ब्रांड सेटअप एकदम बिल्कुल न्यू ब्रांड। अभी पन्निया उतरी है, तो अगर मैं पन्नियों की बात करूं तो अभी अभी फाड़ फाड़ के सेटअप बाहर निकाला गया है और अभी मैं पूरा आपको पूरा सेटअप भी दिखा दूंगा। बोर्ड नया है, ए टू जेड सामान यहाँ पर नया बना हुआ है, वायरिंग बढ़िया भाई बढ़िया। और तू मिल नहीं रहा, हाथ में नहीं आ रहा तू है? हाँ, तो जैसे मैं बता रहा हूँ आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू ब्रांड, अभी बोर्ड लगे हैं, MCB वगैरह, LED वगैरह सब कुछ। और यहाँ देख सकते हैं, अगर उधर के बात करें हम लोग, एम्पलीफायर वगैरह, टोटल बेस कैबिनेट टॉप लाइनर सब कुछ। और यहाँ की बात करूँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू ब्रांड सेटअप है ना, एवरीथिंग इज न्यू यू सी देयर दोस्तों। देखो यहाँ देख सकते हो, अभी अभी सारे के सारे कार्टन्स खोले जा रहे हैं, सारी पेटियाँ खोली जा रही है और सारा माल नया का नया है, हर चीज़ यहीं आप देख सकते हैं, ये अभी निकली है इसमें से, तो आप देख सकते हैं जो कार्टन है, जो गत्ते की पेटियाँ होती है अभी भी यहीं पड़ी हुई है, तो हर चीज़ चारों तरफ नई ही। तो बहुत मोटा खर्चा करा गया, बहुत आज इनॉग्रेशन है यहाँ की। फैन जैसे आजकल क्रेज चल पड़ा फैन, तो ये फैन भी लगे हुए हैं पूरे, LED फैन, CRV, तो टोटल बॉक्स भी आप देख सकते हैं। अगर मैं दिखाऊं ना, बॉक्स दिखाऊं, बिल्कुल आप देखें अनटच है, बिल्कुल न्यू ब्रांड है, सारा का सारा माल अभी इनमें से निकला। आप देख सकते हैं इनकी पॉलिथीन अगर बात करी जाए तो पूरे, और पेपर्स वगैरह इनके पूरे, गारंटी कार्ड वगैरह, पेपर्स, वायरिंग, तो यानी चीज जैसे मैं दिखा रहा हूँ, हर चीज न्यू ब्रांड है, आप चाहे सॉकेट लीड, यानी कि टोटल सामान। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरे का पूरा स्टाफ है, सारे सारे बंदे लगाने वाले, बंदे भी ना यार, ये अपने भाई हैं। मेरा फोटो काट मत दिया, मैं काटा आज तक तुम्हारा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ये तो बंदे ऐसे जब तक है तो काम कैसे रुक सकता,
दिन ब दिन आगे ही बढ़ना जब ऐसे ऐसे बंदों का साथ रहने वाला। दोस्तों बहुत बहुत मोटा पैसा यहाँ पर खर्च किया गया है कि सब सामान नया है, बिल्कुल नया सामान है और अपना पर्सनल सामान खरीदा गया है। तो दोस्तों हर चीज़ नहीं है, हर चीज़ नहीं है, एक एक पेंच नया है और अभी इन पे जाली लगेगी। अभी मैंने थोड़ी साइड में देखी थी, जाली रखी थी, तो इनके ऊपर अभी जाली भी लगेगी। तो ये है एमजे साउंड जिसकी आज यहाँ इनॉग्रेशन है। आप देख सकते हैं इधर बेस और इधर देख सकते हैं आप लाइनर। तो फिनिशिंग देखो दोस्तों, कंपनी का माल अलग ही दिख जाता है। दोस्तों कोई भी डीजे वाला अपना सेटअप का सामान दे दिखाता, कोई एम्पलीफायर नहीं दिखाता, लेकिन यहाँ टोटल ओपन पड़ा हुआ आप देखो एक एक चीज, क्योंकि सब कुछ है ब्रांडेड कंपनी का, सब कुछ है ब्रांडेड कंपनी का। तो यहाँ देख सकते हैं आप MT-1601 देख लेना, MT-1601 लेटेस्ट वर्जन है और आपको सब सामान यहाँ पर ब्रांडेड दिखाई देगा। सुपर एक्स, तो ये सुपर एक्स प्रो है और बाकी आप मैं सब कुछ दिखाऊंगा, तो एक एक करके आप देखते जाना। पता लग गया कि नया डीजल लॉन्च हो रहा है तो, लेकिन 300 डीजल लॉन्च हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साउंड बेस गजब की निकल रही है, गजब की ही निकल रही है। क्या देख सकते हैं आप, एलटेक हाई पावर ऑडियो एम्पलीफायर। गुड आफ्टरनून अगेन दोस्तों। दोस्तों आज आपको पता है कि मैं मेरठ से आया हूं, करीब 40 से 45 किलोमीटर दूर हूं, और अगर मैं बात करूं तो यहां क्यों आया हूं, तो यहां एक बहुत बड़ा ओकेशन है, बहुत बड़ा आज ओकेशन है। डीजल लाइन की बात करेंगे हम, तो क्योंकि डीजल लाइन की दुनिया में एक धमाकेदार एंट्री होने वाली है, एक धमाकेदार एंट्री होने वाली है। और सावधान हो जाओ दोस्तों, जितने भी डीजे हैं, चाहे छोटा डीजे है चाहे बड़ा डीजे है, आप लोगों के बीच एक ऐसा डीजे और आ गया है कि आप लोगों के कान खड़े कर देगा, कान खड़े कर देगा। तो सावधान हो जाओ, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि एक और नए डीजे की एंट्री हो रही है, एक नए डीजे की एंट्री हो रही है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको छोटा सेटअप दिखाऊं, तो देख सकते हैं यहां पर एक सेटअप लग रहा है। सीआरवी है, एलईडी है, फैन है, बेस है, टॉप है, लाइनर है और टोटल माल न्यू ब्रांड है, टोटल माल न्यू ब्रांड है, न्यू ब्रांड। एक भी सामान ऐसा नहीं है जो पुराना है या साफ सफाई करके या रिपेयरिंग वाला है, टोटल आइटम नहीं है। और मैं सेटअप दिखाऊं उससे पहले यहां पर कुछ बंदे बैठे हैं, यहां पर अगर मैं कुछ बंदे बैठो इसमें आप लोग, हाँ कुछ चेहरे जाने पहचाने बहुत ज्यादा होंगे, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ नए चेहरे मेरे भी लोग में आज पहली बार दिखाई दे हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों यहां से, और इधर की बात करूं तो ये देख सकते हैं हमारे अनुज भाई बैठे हैं, कैसे अनुज भाई, और दीपक भाई बैठे हैं, और दीपक भाई का एक धमाकेदार इंटरव्यू आप लोगों के पास आना, तो चौंक जाओगे जब मैं इंटरव्यू दिखाऊंगा कि दीपक भाई के साथ क्या होने वाला है या दीपक भाई क्या करने वाले हैं। और ये भाई को अगर पहचान सकते हो आप, 2023 में जाना पड़ेगा इन दोनों भाई को पहचानने के लिए आपको। हाँ बड़े धूम उठा रखी थी इन दोनों भाइयों ने, कपड़े कपड़े फाड़ फूड़ के नंगे हुए पड़े थे। पहले सबसे पहले आप अपने बारे में बताओ कुछ, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं और क्या आपका पेशा, क्या ओकेशन है, कैसे कैसे है, बात तभी आगे बढ़ेगी। मैं नूरनगर से हूं, नूरनगर। नाम मेरा दीपक रोही, नूरनगर मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, डीजे ऑपरेट करते हैं, तो जाना माना चेहरा, पहचाना चेहरा है दोस्तों, लेकिन मैं फिर भी दीपक भाई से बूझ लिया है। तो दीपक भाई जो यहाँ पर सेटअप लग रहा है ये किस लेवल का लग रहा है? हाई लेवल का है, काफी हाई लेवल का सेटअप है, काफी हाई लेवल का सेटअप है। तो जैसे आप और सेटअप बजाते हैं, आपने एक से एक सेटअप बजा रखा, तो बात अगर ये करें जैसे ये सेटअप है और मैंने भी देखा ब्रांडेड है और बिल्कुल न्यू ब्रांड सेटअप है, तो थोड़ा सा कुछ बताएंगे। तो इसमें जैसे बेस होते हैं, लाइनर होते हैं, टॉप होते हैं, एम्पलीफायर होते हैं, आपका मिक्सर होते हैं, तो वो उनकी क्वालिटी कैसी है और किस लेवल पे है? जैसे हमारे मेरठ के बड़े से बड़े साउंड लगे हैं, इसमें 14 बेस लगी हुई है जी, 12 इंच के टॉप है, 4 2/4 है, और लाइनर लगे 8।
और जो हम सेट यूज करते हैं वो एम टी है 1601 जी और बी एम है बीटा मार्क। तो जो ये 1601 है इसकी आप मार्केट में जैसे रेपुटेशन होती है वो कैसी है? एक गजब नेक्स्ट लेवल की है। और तो आपने अभी बना जैसे आपने अभी टेस्टिंग मारी है तो संतुष्ट हो भाई? हम तो सुनने में संतुष्ट है। संतुष्ट हो नहीं, मजा आ रहा है। बढ़िया, कैसी लगी दोस्त तुमसे पूछूं? हाँ, अभी यहाँ पर टेस्टिंग हुई थी, आवाज निकल के आई, तो कैसी लगी आप लोगों को? उधर भाई स्माइल कर रहे हैं, उनसे तो मुलाकात खास करवाऊंगा मैं आपकी, खास मुलाकात कर रहा हूँ। हाँ, मैं वही तो कर रहा हूँ, उनसे तो खास मुलाकात करवाऊंगा मैं आपकी, क्योंकि पहले ऑपरेटर से है, क्योंकि मेन सिस्टम जो हाथ में होता है वो ऑपरेटर के हाथ में होता है। तो यानी आप फुल्ली सेटिस्फाई हैं। बराबर में हमारे अनुज भाई बैठे हैं, इनसे भी थोड़ी सी तो बातें कर लेते हैं। अनुज भाई, मुझे आपकी भी उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ मिलोगे, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अच्छा सेटअप होता है, हम पहुंच ही जाते हैं। वहां पहुंच जाते हैं अनुज भाई। तो अनुज भाई, आपने ये अभी टेस्टिंग सुनी जी, तो क्या कहेंगे आप, क्योंकि खुद आप एक डीजे वाले हैं, लंबे टाइम से आपका एक्सपीरियंस है? अभी साउंड सुना है, कुछ भी कमी नहीं है, बेस बी ट्रेबल लाइनर वगैरह सब लगे हुए हैं, एकदम सभी ओके है, कोई कमी नहीं है साउंड में, जबरदस्त सेटअप, बेस भी लंबी जा रही है, थ्रो बहुत अच्छा है, लीड भी काफी अच्छी आ रही है, और एकदम टेबल भी मस्त आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है साउंड में, कोई दिक्कत नहीं है साउंड में। और जैसे माल लगा हुआ है जो आपने देखा, सीआरबी भी यहाँ पर मेरे ख्याल से आई थिंक बीएसएम लगी शायद, अल्ट्रा बेस्ट है, बीएसएम की है, बीएसएम की हाई क्वालिटी की है, हाई क्वालिटी जो आज के टाइम में ट्रेंडिंग में चल रही है, ट्रेंडिंग में चल रही है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। जी जी, अल्ट्रा, हाँ जी, अल्ट्रा वाली साउंड का भी सारा माल ब्रांडेड लगा हुआ है, प्रोटोन है, अपने स्पीकर भी सारे कंपनी के ही है, और मिक्सर वगैरह सब प्रोसेसर वगैरह सब जेन्युइन चीज है, कोई भी ऐसी लोकल नहीं है, कोई भी चीज लोकल नहीं है। और दोस्तों, उधर फ्लोर की भी टेस्टिंग लगने शुरू हो गया, तो उधर की मैं दिखाऊं, एलईडी फ्लोर लगे हुए हैं, मस्त एकदम मस्त है, यानी कि आज शाम मजा आने वाला, सब मजा ले, आज शाम यहाँ मजा आने वाला है, क्यों दोस्तों, ऐसा ही आप लोगों को महसूस हो रहा ना? तो अब अपने भाइयों से भी पूछ लेते हैं दो बात, कैसे है भाई? सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, मयंक। तो मयंक भाई, ये बताओ, अभी आपने भी टेस्टिंग सुनी है और आप बहुत पुराने हो, डीजे लाइन से भी सुनने वाले भी हो और करने वाले भी हो, तो आपको कैसा लगा? मस्त, एकदम मस्त, संतुष्ट हो? संतुष्ट। किसी चीज की कुछ कमी दिखाई दी? कोई कमी नहीं। और जो भाई ने पैसा खर्च कर रखा, दिल खोल के कर रखा है? दिल खोल के कर रखा है ना, किसी चीज की कंजूसी तो नहीं करी हुई? कोई कंजूसी नहीं करी हुई, सब चीज इम्पोर्टेड है। हाँ जी, और एकदम मस्त, एकदम मस्त है। तो पोस्ट वाल डीजे हस्तनापुर, जुबेर भाई है हमारे, सलमान भाई के छोटे भाई। जी जी, ये जो बिल्कुल इन्होंने सेटअप अपने हाथों से बनाया, बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं दोनों भाई को बैठा लूंगा। हाँ, और बाकी भाई की पर्सनालिटी देख सकते हैं, बढ़िया लग रही है, मूंछों पे भी शान तगड़े वाली आई हुई है। हाँ, और हाथ मिलाने से पता लग जाता है कि बंदा कैसा है, सॉलिड बंदा है, दम है। अर्जुन भाई ने यहाँ पर इस पे पैसा खर्च करा हुआ और दिख रहा है कि बहुत मोटा पैसा खर्च यहाँ पर हुआ। तो जैसे आप लोगों को अर्जुन भाई ने कुछ रिक्वायरमेंट बताई थी कि भाई ये चाहिए, या दिल खोल के कह दिया था कि जैसा तुम बना सको बना देना, बस मुझे तो माल बढ़िया चाहिए? अर्जुन भाई ने कहा था किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं, पैसे की तो है ही नहीं। जी जी, तो मगा जी फिर तो अगला काम हमारा है, तो मामला जो है बहुत ही हाई लेवल का बनवाना चाह रहे थे। ठीक ठीक, तो उसके लिए हम बैठे बना रहे के लिए। ठीक है ठीक है, तो हमने जो है एंड कर दिया, एंड ही कर दिया 14 बेस के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, एंड ही कर दिया। तो आपका जो बेस है, यानी ये कह सकते हैं बैकग्राउंड या गांव या ऑफिस, किस जगह है? ऑफिस हमारा बैसुमा है, मतलब ऑफिस तो नहीं है, अपना गोदाम टाइप में घर ही है। जी जी जी, तो वहीं पे बेस सामान रेडी होता है, वहीं पे होता, बैसुमा के अंदर ही। हाँ जी। और किस नाम से है? हमारा सलमान चौधरी, सलमान चौधरी के नाम से ही। भाई का नाम है सलमान चौधरी। जी 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 जी, मैंने बताया था ना, दोनों भाई को बैठा लूंगा तो ज्यादा आसान होगा। आ जाओ सलमान भाई, बाद में फिर रह जाएगा, पता नहीं मैं कुछ क्वेश्चन पूछ पाऊँ नहीं, बात पता लगा सारे क्वेश्चन यही पूछ लिए। तो ये अपने सलमान भाई है और बैसुमा में ही आप रहने वाले, बैसुमा के ही बचपन से बैसुमा के रहने वाले हैं, है ना? तो सलमान भाई, ये बताओ, चलो अभी तो आपने डीजे सेटअप बनाना शुरू करा, तो इससे पहले आप कैसे इस लाइन में कैसे आए? बहुत दिन हो गई थी, 15 साल हो गई इस एरिया में, जितनी गाड़ी सबके इनके हाथ में माल, और इस एरिया, अच्छा अच्छा, हमारी गाड़ी में भी, सभी गाड़ी में इनके हाथ में। हाँ, मैं वही चीज तो जानना चाह रहा था, देखो वगैरह ठोकने का काम दिया था हमें, जो मेरठ की पहचान है जी, न्यू लक्ष्मी साउंड शेरू भाई, हाँ हाँ समझ गया, उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया। ठीक ठीक, तो काम करने का जज्बा ऐसा पैदा कर दिया उन्होंने, बहुत गुड आदमी है, बहुत गुड आदमी है शेरू भाई, मैं शुक्रिया अदा उन्हीं का सबसे पहले करना चाहूंगा, मतलब कहने का आज जो हम इस मुकाम हौसला बढ़ाया। जी जी, देवा सर, ठीक है ठीक है, मतलब आप सबसे पहले वहाँ शेरू भाई के थ्रू ही आपके पास ऑर्डर आया था, है ना? ऐसा ही है ना, उन्हीं ने मेरी हिम्मत बढ़ाई, सबसे पहले उन्हीं ने काम करवाया।
एक महीना काम करा था उनके गोदाम पे। ठीक 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 ठीक। और वो साइज दिया था उन्होंने हमें, शायद वो हमारे उस्ताद भी अभी देख नहीं पाए वो साइज। जी जी जी। बस उनकी वजह से मैं आज इतना बड़ा काम करूं। तो वो तो भैया से पता लग गया कि भाई जो इसके हस्तनापुरी या बैसुमा के एरिया की तरफ है उसके आप किंग हो, मेकिंग में किंग हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने ये बनाया, अभी मैंने भैया से भी ये पूछी थी कि अर्जुन भाई ने फ्री हैंड कर दिए थे कि जो चाहो उतना खर्च करके माल बनाओ। 15 साल में ऐसा बंदा मुझे नहीं मिला अभी तक। जी जी जी। जो उन्होंने छूट कर रहा है, मुझे शुरू में ही उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का वो टेंडर देने लगे। हाँ हाँ। इतना लंबा काम एक साथ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 24 बेस है, 14 बेस अभी आज कम्प्लीट हुई। बिल्कुल। तो बाकी काम अभी चेक कर, अभी बाकी चल रहा है। आपने 14 बेस वगैरह रेडी कर दिए? बिल्कुल। 50 बेस तैयार होनी है। और क्या बात है। तो दोस्तों देख रहे हो 50 बेस तैयार हो रही है। सामान मांग मांग के ले जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं किसी को ये कहूँ कि इंसल्ट करूं, नहीं, एक दूसरे के साथ लोगों का काम बना हुआ है, खुद का नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ भाई ने दिया कि खुद की 50 बेस बनेंगी। तो सोच सकते हो कितना मोटा स्केल से खर्चा करने वाले अर्जुन भाई। जी एरिया का सबसे बड़ा खर्चा हो रहा है एक साथ इतने बड़े। मेरी लाइफ का भी अनुज भाई, मैं बता रहा हूँ मुझे 15 साल में सबसे। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मैंने बताया ना, मैं सोच के कुछ हो रहा था। मैं अगर अपनी बात करूं अनुज भाई कि मैं सोच के कुछ हो रहा था कि मुझे ऐसे मिलेगा यार, मतलब छोटा मोटा कोई सेटअप लगा रहे होंगे अपने इवेंट के लिए, शायद मंडप के लिए। लेकिन यहाँ देखने के बाद मेरी खुद की आंखें खुल गई कि इतने बड़े एरिया में इतना ब्रांडेड माल और न्यू माल सारा A to Z सारा, और कॉस्टली भी करोड़ रुपए के समथिंग का। बिल्कुल बिल्कुल। इतना एक साथ किसी डीजे वाले ने लगाया नहीं, मेरे के डीजे वालों ने नहीं लगाया, नहीं लगाया, ऐसा ही है ना। मेरी लाइफ में 15 साल हो चुके। हाँ जी, अभी तक नहीं लगाया। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ी बड़ी साउंड है और ब्रांड भी है, स्टेप चल रहा है, मेरठ का नाम भी है। हाँ हाँ, रहेगा, बिल्कुल रहेगा, मेरठ का नाम भी रहेगा सदा। लेकिन जो हिम्मत ये बढ़ा रहे हैं मेरी भी, और अपना भी नाम करना चाह रहे हैं, शायद ये बहुत आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, जैसी भाई ने बताई है कि ऐसा कुछ खर्चा नहीं करा, हाथ फ्री हैंड कर दिया और इस तरह ब्रांडेड माल आज तक किसी ने नहीं बनाया और इतने बड़े लेवल पे नहीं बनाया। मुझे भी इस इंडस्ट्री में आए हुए 2 साल तो हो गए हैं, मैंने खुद में नहीं देखा इस तरह से माल किसी के पास रेडी होता हुआ, बनता हुआ, बसता हुआ भी। इसी बात बताऊं दोस्तों आपको कि अर्जुन भाई से मेरी कोई ज्यादा जानकारी पुरानी नहीं है, मैं समझता हूं 1-1.5 महीना की जानकारी होगी, और वो भी मेरी इंस्टाग्राम पे हुई बातें हुई। हाँ, बंदे की नेचर सिर्फ मैसेज पे ही, मेरी बात भी नहीं हुई। देखो मैं अपने टू बी फ्रैंक बताऊं, मेरी उनसे बात भी नहीं हुई कि हाँ वो फोन पे बात हुई हो, मैसेज पे ही उनकी लैंग्वेज से मैं समझ गया था बंदा बहुत जेन्युइन है और सीधा बंदा, बढ़िया बंदा है। तो उनके कहने से मैं यहां तक आ गया, नहीं तो मैं समझ रहे हो मेरठ से एक बुला पे कि भाई हम डीजे बजा रहे हैं वाले, मैं नहीं आता। लेकिन उनसे मैं मना नहीं कर पाया एक बार भी, उन्होंने कहा राकेश भाई आना तो आना है। तो बंदा बहुत जेन्युइन है। और मैं अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को कहा था डीजे वाले सावधान हो जाओ, एक बहुत बड़ा डीजे एंटर ले चुका है। और यहाँ पर भी भाई बैठे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, मैं भाई से मुलाकात कर लूँ। हाँ भैया, आप भी अपने बारे में कुछ बताएं। सर मैं रावण डीजे वाला हूँ, हस्तनापुर से। हस्तनापुर में रावण डीजे? हाँ जी जी। हमारे एमजी साउंड डीजे साउंड बना है जी, ये इस क्षेत्र का सबसे फर्स्ट लंबा का डीजे साउंड बना है। आज सभी से गुजारिश है कि इस बार कमर यात्रा में इसे बुक करें। इस बुक तो दोस्त बड़ा बोल तो बोलता नहीं, बुक तो मैं सर करवा के भेजूंगा। हाँ, बुक तो मैं सर करवा के भेजूंगा। इस साल का नजारा भी देख लो। हाँ, कहने वाले बहुत हैं कि मैं वो डीजे वाला हूँ, मैं वो डीजे वाला हूँ, पर ये फर्स्ट नंबर का लगा, मौका मिलना चाहिए। तो दोस्तों एक चीज बताऊं, देखो सबसे बड़ी बात बताऊं, यहाँ भाई ने बोला है रावण डीजे है हस्तनापुर की तरफ के यहाँ के, और इधर भी एक भाई बैठे थे अभी पोसवाल डीजे वाले बैठे थे। हाँ, तो सामने वाले 3-3, 4-4 डीजे वाले यहाँ बैठे हैं, एक भाई उधर बैठे हैं। जब सामने वाले बढ़के अगले डीजे की तारीफ करे ना, तो समझ ले उसमें कुछ ना कुछ वजूद आ गया है, तभी बोलता, वरना कंपटीटर की तारीफ कोई नहीं करता। ऐसा ही है ना, अपने कंपटीटर की तारीफ कोई नहीं करेगा कि भैया बहुत बढ़िया बदरा, क्यों अनुज भाई? ऐसा ही है ना, जो जायज है वो जायज ही है। तो तहलका मचाएगा इस बार, ये टाटा में तो तहलका ठाई देगा, क्योंकि जैसे 20 बेस लगेगी, टाटा कोई दिक्कत नहीं है, बुक आए तो ट्रोले का भी सेटअप तैयार है, ट्रोले का वो तो साथ मिलेगा, आप करवा ही दोगे अब आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में इतना पैसा लगता है नहीं, देखा डीजे में, पहली बार देखा ना साउंड, एक कील भी अपनी है सब कुछ, एक कील से लेकर जो भी देखा, जैसी मशीन नहीं देखी, इसमें ये लग रहे हैं ऑक्सीजन के गैस लग रहे हैं, मतलब टोटल आइटम बिल्कुल न्यू ब्रांड है और अपना है और सारा का सारा ब्रांडेड है ना, यही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया सबसे पहले आपका नाम पूछना चाहिए था मुझे, वो बाद में पूछ लेता हूँ, बताइए नाम, बताइए आप पहले। मेरा हरिओम नाम है। हरिओम नाम है। तो आपका डीजे लाइन से क्या रिलेशन है? मेरा भी अपना सेटअप है। अच्छा, आपका भी डीजे सेटअप है? किस नाम से? डीजे न्यू बालाजी डीजे। कहाँ का है? बटावली। बटावली। 14 बेस की गाड़ी,
भगवान जुड़ा अट्ठा रुपए फेल कर देगी, टोले को टक्कर दे देगी नया ब्रांड एक बार सामान। बिल्कुल बिल्कुल, टोले को टक्कर देगी। बार दो भाई सच कह दी बात। हाँ जी हाँ भैया सच कह दी, सच कह दी। सारा का उसमें वही तो देखो, नया माल बना तो भाई का सारा माल अपना है दोस्तों, कोई भी उधार नहीं लेना खरीदना भैया, सारा का सारा अपना माल है। तो अगर आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं और अगर आप लोग कावड़ यात्रा में जाना चाहते हैं अभी और आप डीजे की तैयारी कर रहे हैं कि आपको कोई अच्छा डीजे मिल जाए, कोई आपको अच्छा डीजे मिल जाए, तो एमजे डीजे साउंड आप बुक कर सकते हैं। डायरेक्ट मैं भाई का नंबर डाल दूंगा, आप मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाहें तो, नहीं तो डायरेक्ट मैं नंबर डाल दूंगा, आप डायरेक्ट बात कर लेना हम बीच में से, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी सर्च मारो और कावड़ यात्रा के लिए एमजे साउंड को बुक करो। तो मिलते हैं फिर थोड़ी बहुत देर में।